हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अयुद्धमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतं पलायमानं मत्तं वा नहन्तुं त्वमीहार्हसि। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक हैं, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में यह विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सकेगी। युद्ध नीति कहती है अयुद्धमानं प्रच्छन्नं प्राञ्जलिं शरणागतं पलायमानं मत्तं वा नहन्तुं त्वमीहार्हसि। अर्थात जो सन्मुख युद्ध न कर रहा हो, शरण में आ गया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। परंतु नहीं लक्ष्मण, नहीं। अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। ऐसा तुमने कैसे समझ लिया कि मैं सीता की परीक्षा ले रहा हूं या उस पर कोई संदेह कर रहा हूं? सीता जो एक क्षण के लिए भी कभी मेरे हृदय से दूर नहीं हुई, जिसे पल पल मैं अपने दिव्य चक्षुओं से निहारता रहा हूं, उसकी पवित्रता और सतीत्व का प्रमाण कोई और देगा क्या मुझे? हे महासागर, भूतकाल साक्षी है, इक्ष्वाकु वंशी सदा परहितकारी बनकर कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। रघुवंशी राम ने आज पहली बार अपने अधिकार से कुछ मांगा है, कुछ आशा रखकर तुम्हारी उपासना की है। 3 दिन से विधिवत पूजन करने के बाद भी उत्तर में तुम केवल अपने अहंकार का ही गर्जन करते रहे हो। मंदगति जल्दी तुम पर राम की प्रार्थना का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम राम की विनम्रता को उसकी असमर्थता जानकर जड़ बने हुए हो। संसार ने आज तक राम की कृपा देखी है, उसका कोप नहीं देखा।